हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सो आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को लेके चलूंगी एक फेस्टिवल पे जिसका नाम है रेयस मागोस। ये स्पेनिश का एक वर्ड है जिसका मतलब है ताकतवर बादशाह, और ये स्पेन के बड़े फेस्टिवल्स में से एक है जो कि साल के शुरू में मनाया जाता है। सो ये बच्चों का एक त्यौहार है। ये स्पेन के हर शहर में रैली की शक्ल में निकलता है जिसमें तीन बादशाह शहर के अंदर आते हैं अपनी कनीजों और गुलामों के साथ और बच्चों में टाफियां वगैरह बांटते हैं। इस फेस्टिवल की कहानी कुछ इस तरह से है कि 25 दिसंबर को जब इनकी क्रिसमस होती है तो इनका मानना है कि हज़रत ईसा की पैदाइश हुई थी। फिर आ जाता है नया साल, इसके बाद 6 जनवरी का दिन आता है जिसमें तीन बादशाह आए थे हज़रत ईसा को सलामी देने तोहफे ताइफ के साथ, तो इसी की याद में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो पेरेंट्स अपने बच्चों को इस फेस्टिवल के बाद जल्दी सुला देते हैं और गिफ्ट रख देते हैं जो इन्होंने खुद खरीदे होते हैं, और बच्चों के उठने पे ये उन्हें बताते हैं कि जो शहर में तीन बादशाह आए हैं वो आप लोगों के लिए गिफ्ट लेके आए हैं। सो इस फेस्टिवल को बड़े बच्चे सब जोश व खरोश से मनाते हैं। यहाँ पे लोग घरों से इस तरह की चीजें बना के यहाँ पे सेल करते हैं। साथ ही स्ट्रीट पे चलते हुए मुझे यहाँ पे एक कार दिखी है जहाँ पे ये लोग गिफ्ट कलेक्ट कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जो खुद खरीद नहीं सकते या जिनके पेरेंट्स वगैरह नहीं है, तो ये उन लोगों का भी ख्याल रखते हैं साथ साथ, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सो यहाँ पे गर्मा गर्म स्ट्रीट फूड चल रहा है जिसकी खुशबू से हमें भी भूख लग गई है, लेकिन यहाँ का स्ट्रीट फूड ज़्यादातर हलाल नहीं होता, इसलिए हम आ गए हैं रेस्टोरेंट पे। खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद मैं आपको मिलती हूँ दोबारा। सो खाना वगैरह हमने खा लिया है, अभी रश आप चेक कर सकते हैं कितना ज़्यादा, और ये सब लोग भी फेस्टिवल की तरफ ही जा रहे हैं। तो रस्ते में मुझे दिखा है स्टारबक्स, तो मैंने सोचा चले यहाँ से जो है अपनी कॉफ़ी भी ले लेती हूँ, साथ साथ फेस्टिवल देखेंगे, साथ साथ इंजॉय करेंगे। सो अभी हम आ गए हैं फेस्टिवल पे। मेट्रो में इतना ज़्यादा रश था, धक्के खाते हुए पहुँच ही आए हैं, तो यहाँ पर आधी जो रैली है वो गुजर चुकी है। रश बहुत ज़्यादा था तो मैं करीब जा नहीं सकी, तो मैंने दूर से ही एक दो सीन लिए हैं, बाकी मैं आपको पूरा प्रॉपर दिखाऊंगी आगे चल के। तो अभी यहाँ पे एक कैट गुजर रही है जो कि बार्सिलोना में एक जगह का सिंबल है। अभी कनीजें गुजर रही हैं जिन्होंने लेटर बॉक्स पकड़े हुए हैं, तो बच्चों ने जितनी भी पूरे साल में अच्छाइयाँ की होती हैं वो एक लेटर पे लेके इस लेटर बॉक्स में डालते हैं। इसी के पीछे बादशाह आ रहा है जो कि फ्रंट सीट पे आपको बैठा हुआ दिखेगा। तो ये पहला बादशाह है, टोटल तीन बादशाह आते हैं शहर में, ये पहला बादशाह है। तो अभी दूसरा बादशाह आ गया है, इनके गुलामों ने भी लेटर बॉक्स पकड़े हुए हैं जो बच्चों से लेटर कलेक्ट कर रहे हैं। साथ ही आपको करीब से अभी मैं बादशाह भी दिखाती हूँ। इन्होंने बादशाह का गेटअप किया होता है, ये ओरिजिनल में बादशाह नहीं होते, इन्होंने गेटअप किया होता है और ये अपनी कनीजों और गुलामों के साथ आ रहे हैं।
तो यहाँ पे ये कैंडीज फेंक रहे हैं बच्चे बड़े, यहाँ पे टॉफियां कलेक्ट कर रहे हैं। मैं वीडियो बनाने में ही बिजी थी तो मेरे हाथ में सिर्फ 3 ही आई है, वो भी मेरे पाँव में आके गिरी थी। तो ये था आज का फेस्टिवल। फेस्टिवल जो है यहाँ पे खत्म होता है। आई होप कि आपको ये वाला फेस्टिवल बहुत पसंद आएगा, मैंने तो बहुत इंजॉय किया। मैं इतना ज्यादा बोली नहीं हूँ क्योंकि इसके साथ ही म्यूजिक था, रश भी बहुत ज्यादा था इस वजह से। तो अभी मैं घर की तरफ जा रही हूँ। आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।